जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करे। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है, जिस प्रकार से व्रत में नियम करना कठिन है उसी प्रकार से इसका फल भी अधिक माना गया है। इसका नाम निर्जला है, अतः नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्ग आदि के सिवा आयु और आरोग्य वृद्धि तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करके सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। व्यास जी के कथा अनुसार यह अवश्य सत्य है। अधिक मास सहित एक वर्ष की 25 एकादशी न की जा सके तो केवल वर्ष भर में एक निर्जला एकादशी व्रत करने से जो कि संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में जो कि अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार उपयोग में जल ले लिया जाए तो उससे व्रत भंग हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम पालन के साथ निर्जल उपवास करके सुबह शाम भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के लिए जो कि दसवीं दिन से ही नियम पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। व्रत में जो कि दसवीं एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों में काश्य पात्र, मसूर, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्युत और क्रोध आदि का त्याग करके व्रत के पहले दिन यानी कि दसवीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन करना चाहिए। दसवीं की रात में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए दसवीं की रात्रि सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर काले तिल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें, दूध से बने हुए वस्तु या जितने भी मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि हो वह भगवान को अर्पित करने चाहिए। जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन भगवान का सुबह शाम पूजन करके कथा आदि श्रवण करते हुए एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जल से भरा हुआ घट का दान करना चाहिए। स्वर्ण आदि का, गौ, भूमि जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान दान आदि करने के समान
फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जून 2024 दिन सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:26 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:29। तो द्वादशी युक्त वैष्णवों के लिए जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह सभी जो कि 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 19 जून को वह समय सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक होगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:50। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक होगा। योग जो कि शिव योग होगा रात्रि 9:39 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। 18 जून को जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:56 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक होगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्र जप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।